ये बड़ी खबर ज्ञानवापी को लेकर है, अपडेट है। एसआई की रिपोर्ट आई है और मंदिर ढाकर बनी थी मस्जिद, ये एसआई की रिपोर्ट में जिक्र है इस बात का। एसआई की रिपोर्ट में 32 जगह, जी हां 32 जगहों पर मंदिर के प्रमाण यानी कि सबूत मिले हैं। मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, रिपोर्ट ये कहती है औरंगजेब ने कहा था मंदिर तोड़ दी जाए। तो देखिए एसआई ने सर्वे किया है और सर्वे रिपोर्ट अब सामने आ गई है। सर्वे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें 32 जगहों पर ये कहा गया है कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर के प्रमाण मिले हैं, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, रिपोर्ट ये कहती है। और देखिए ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी जो टाइमलाइन है वो भी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और एसआई को जो जिम्मेदारी दी गई थी सर्वे करने की, अब रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट की माने तो हिंदू पक्ष काफी खुश है इस रिपोर्ट के आने से, क्योंकि इसमें 32 जगहों पर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। तो ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की रिपोर्ट, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, जो फैक्ट्स बताए गए हैं, उनके क्या मायने हैं, उनका क्या असर, क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में इस पूरे केस में और बाकी चीजों पर। ये दो तस्वीरें हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, रामलला में प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, और दूसरी तरफ अब देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में भी ये जो मामला चल रहा है उसको लेकर एएसआई की रिपोर्ट अब सार्वजनिक तौर पर सामने आ गई है। और इस रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं एएसआई को जो ये बताते हैं कि यहाँ पर पहले से एक भव्य मंदिर था और उसके सारे प्रमाण भी मिले हैं इस सर्वे के दौरान। और अब आपको यह भी बता दें कि ज्ञानवापी में मस्जिद के नीचे मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। एसआई की रिपोर्ट में क्या क्या है जिक्र है ये आपको जल्दी से बता दें। एसआई की रिपोर्ट में दरअसल जो बातें लिखी गई हैं उसमें ये मेंशन किया गया है कि एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, मस्जिद से पहले एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और 2 सितंबर 1669 में हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया। जी हाँ, और औरंगजेब ने कहा था मंदिर तोड़ दी जाए, मंदिर के अवशेषों से मौजूदा मस्जिद का निर्माण किया गया, ये भी बात सामने आ रही है। और मस्जिद की पश्चिमी दीवार, मंदिर का हिस्सा मस्जिद में पश्चिमी दीवार है, उसमें भी कई सारे प्रमाण मिले हैं इस बात के। जी हाँ, और कहा यह भी जा रहा है कि मंदिर के अवशेषों से मौजूदा मस्जिद का निर्माण हुआ, मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का हिस्सा है, क्योंकि पश्चिमी दीवार पर कई ऐसे सबूत मिले हैं, प्रमाण मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर मंदिर था, ये एसआई की रिपोर्ट कहती है। मसलन यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वास्तिक, ओम, कमल, घंटी, नाग देवता के निशान मिले हैं मस्जिद में, जो खंभे हैं वहां पर 32 जगह ऐसी है जहां पर मंदिर होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो एसआई की रिपोर्ट में ये सारी बातें मेंशन की गई हैं, ये सारे तथ्य बताए गए हैं, प्रमाण दिखाए गए हैं। और हिंदू पक्ष भी इस बात को लगातार कहता रहा कि एएसआई की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से रखा जाए। तो अब देखिए वो बातें आ गई हैं, वो रिपोर्ट सामने रख दी गई। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये नंबर्स जो हम आपको बता रहे हैं, दरअसल जो जो एएसआई की रिपोर्ट में तथ्य आए हैं और कितनी संख्या में क्या चीज़ें मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये सर्वे जिसकी हम बात कर रहे हैं, 92 दिनों तक ये सर्वे चला और ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट बड़ी है, 839 पन्नों की। और पन्नों की रिपोर्ट में जो बात किया गया, जो जिक्र किया गया, जो समय बताया गया है वो है 1669 जब इस मंदिर को ध्वस्त किया गया। जी हाँ, और मंदिर के सबूत मिले हैं लगभग 32 जगहों पर जो एसआई की रिपोर्ट में मेंशन है। शिलालेख भी मिले हैं, 34 शिलालेख मिले हैं। हिंदू अवतारों का जिक्र 3 बार किया गया इस रिपोर्ट में, देवी देवताओं के चिन्ह 300 बार इस रिपोर्ट में है, और साथ ही 5000 साल पुरानी पश्चिमी दीवार है ये भी एसआई की रिपोर्ट कहती है। और पश्चिमी दीवार पर ही वहां पर मंदिर होने के कई साक्ष्य मिलते हैं, रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एएसआई रिपोर्ट को विस्तार से बताया, ये सारी बातें उन्होंने मीडिया के सामने रखी और क्या क्या उन्होंने इस दौरान कहा, क्या क्या बड़ी बातें उन्होंने कही वो हम आपको बता रहे हैं। 5 बड़ी बातें इस पूरे निष्कर्ष से जुड़ी हुई बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि विष्णु जैन ने मीडिया से इस रिपोर्ट को साझा करते वक्त क्या कहा। सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि
जो पहले के एग्जिस्ट जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इंस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, फिर अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। तो देखिए ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी, और इसलिए टीवी 9 भारतवर्ष आज दिन भर इस पर चर्चा करेगा, और हमारे साथ स्टूडियो में इसलिए खास मेहमान भी मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी हैं, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ कमरान मलिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और स्वामी उपमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोग पीयूष भी आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले हम पीयूष से ही शुरुआत करेंगे, और उससे पहले आपको यह भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से ज्ञानवापी विवाद को लेकर के ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आ गई है, और सर्वे रिपोर्ट में कौन कौन सी बड़ी बातें मेंशन की गई हैं जिसके ग्राउंड पर आज हम अपनी चर्चा करने वाले हैं वो आपको बताएंगे। एएसआई के निष्कर्ष की 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता दें, एएसआई का क्या निष्कर्ष निकला, यानी कि रिपोर्ट में 5 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए, ज्ञानवापी में 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ा गया, मोटे तौर पर यह कहा गया है। उसके बाद मौजूदा संरचना से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर वहां मौजूद था, एएसआई की रिपोर्ट यह भी कहती है। बिल्कुल, और देखिए मंदिर के पिलर का मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया, इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है। हिंदू मंदिर के खंभे का थोड़ा बदलाव करके इस्तेमाल किया गया। 5वीं बड़ी बात, पत्थर पर लिखा मिला, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, तोड़ने के लिए कहा। यह भी कहा गया कि यह भी इंस्क्रिप्शंस हैं वहां पर, और इसमें यह मेंशन है। पीयूष के पास सबसे पहले हम चलते हैं। पीयूष, ये जो रिपोर्ट है जिसको सार्वजनिक करने ना करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, अब ये रिपोर्ट देश के सामने है, लोगों के सामने है, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हो सकता है इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल रवि, अहम बात यह है कि इस मामले में जो कोर्ट है अब वो इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी, यानी कि केस का जो स्टेटस था, जो श्रृंगार गौरी और अंदर जो मस्जिद के पूजा करने की जो मांग थी, उस पर अब कोर्ट आगे बढ़ेगी। हालांकि इसमें हिंदू पक्ष की ओर से एक एप्लीकेशन और दाखिल की जाएगी, और ये दावा किया जाएगा कि अगर ये स्पष्ट हो चुका है कि इस मस्जिद का रिलीजियस कैरेक्टर पहले हिंदू था, तो ऐसी स्थिति में ये हिंदुओं को सौंपी जानी चाहिए। तो ये एक नया मोड़ आ सकता है जो हिंदू पक्ष की ओर से आवेदन दाखिल किया जाएगा तब। अभी इसमें निचली अदालत विचार करेगी, और दोनों पक्षों में जब तर्क, दलीलें और बहस पूरी कर ली जाएगी तब वो अपना फैसला देगी। अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। दूसरी बात अहम ये है कि 1991 के जो सूट थे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि पूजा स्थल अधिनियम में रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन नहीं है, उसको डिफाइन करना जरूरी है, ऐसे में सर्वे कराए जाने जरूरी हैं। तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि जो पूजा स्थल अधिनियम का जो बाड़ था, यानी कि जो रोक थी, वो भी अब सीधे तौर पर खत्म हो गई है, चूंकि हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। अब इस मामले में निचली अदालत के पास ओपन हैंड है कि इस मामले पर एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला दे। हालांकि इसके पहले दोनों पक्षों को वो सुनेगा और उसके आधार पर आगे बढ़ेगा। जी